अस्सलाम वालेकुम, मैं अफरोज़ कुरैशी रमज़ान स्पेशल चिकन पकोड़े बनाने जा रही हूँ। तो चिकन मैंने आधा किलो ले लिया और इस तरीके से कट कर लिए। अदरक लहसुन है 2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च है 1 चम्मच, धनिया पाउडर है 1 चम्मच, नमक अपने हिसाब से लेना है, चावल का आटा है 2 चम्मच, क्योंकि इसमें चावल का आटा डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही कुरकुरे चिकन पकौड़े बनते हैं। धनिया है यानी कोतमीर, ये भी अपने हिसाब से आप ले लो, और एक नींबू का रस ले लीजिए। 5 से 6 चमचे बेसन के ये भी डालकर इसमें थोड़ा तेल डालना है हमको, और अच्छे तरीके से मिला लेना। इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मिला लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिलाना है। ये देखिएगा आप, इस तरीके से अच्छे से मिलाकर देखो, अच्छे तरीके से मिल गया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। 1 घंटा हो चुका है, माशाल्लाह से चिकन पकौड़े के तैयार है, तेल गरम हो चुका है और मैंने इसमें चम्मच की मदद से पकौड़े बनाना चालू कर दी है। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह से चिकन पकौड़े कुरकुरे तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हो चिकन पकोड़े माशाल्लाह से, अब इनको आपको उलट पलट करना है 1-2-3 मिनट से, ताकि चिकन भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये हमारी चिकन माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से पक गई है। अब मैं आपको इसका डिश आउट करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह देखिए, क्रिस्पी एकदम गोल्डन फ्राई हुए हैं चिकन पकौड़े, और इसके ऊपर से हमको कोतमीर डालना है, और इसको हरी चटनी या सॉस से आप इसको खाइए। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी चिकन पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। जज़ाकअल्लाह।